अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट की डाटाबेस और उसकी फाइल्स का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे प्लगइन्स में, यहाँ से ऐड न्यू, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अप ड्राफ्ट। उसके बाद इंस्टॉल नाउ, एक्टिव। उसके बाद जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद सेटिंग्स, और यहाँ पे फाइल्स बैकअप स्केड्यूल। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी देर बाद इसका बैकअप बने। तो पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये वीकली हो। और उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस वो होती है जिसमें हमारी पोस्ट, हमारे प्लगइन्स वगैरह की सेटिंग्स और पेजेस का डाटा सेव होता है। तो ये मैं रेकमेंड करता हूँ डेली, क्योंकि इसका साइज बहुत थोड़ा होता है, लगभग 5-10 MB या मैक्सिमम 100-150 MB। तो इसे आप कर सकते हैं 8 और इसे आप कर सकते हैं 4, ताकि ज़्यादा सर्वर के ऊपर बोझ ना पड़े। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे स्टोर होगा। अगर सिलेक्ट ना किया गया हो तो ये वेबसाइट के ऊपर स्टोर होता है। उसके अलावा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या गूगल क्लाउड वगैरह। और उसके बाद आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि फाइल्स बैकअप में क्या क्या इंक्लूडेड हो। अगर आप कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस।